हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको एचडीपी वर्सेस एसएलसी का एक बेहतरीन जानदार टीम आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लें, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे टीम क्रिएट करके बता देता हूँ, और साथ में प्लेयर की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो यहाँ बात करूँ दोनों टीमों की, तो यहाँ पर SDP एक मजबूत टीम मुझे नज़र आ रही है। मुकाबले का टक्कर है, लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की जो मजबूती कह सकते हैं SDP के पास है, क्योंकि इनके जो प्लेयर हैं अच्छी फॉर्म में हैं। तो यहाँ बात करूँ प्लेयर कौन कौन से प्लेयरों के साथ आप जा सकते हैं, तो यहाँ आउटफील्डर की मैं बात करूँ तो आउटफील्डर में आप तीन प्लेयर यहाँ से लेके चल सकते हैं, लेकिन दो प्लेयर जो इसमें मेन है, एक प्लेयर मैं यहाँ पे रिक्स वाला प्लेयर लेके चल रहा हूँ, हो सकता है वह खेले भी मत। यहाँ बात करूँ देखिए, आपको पहला प्लेयर मिल जाएगा टी ग्रीसम, ये अच्छे फॉर्म में है, इनको आप ले सकते हैं। लेकिन इनकी एक दिक्कत है कि ये पिछले दो मैचों से नहीं खेले हैं, हो सकता है इस मैच को भी ना खेले, लेकिन यदि ये मैच खेलते हैं तो आप इनको ज़रूर लीजिएगा। यदि ये मैच नहीं खेलते हैं तो आप डब्लू मेयर के साथ जा सकते हैं, वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन टी ग्रीसम को आप यहाँ से पिक करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा यदि ये खेलते हैं तो, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जब ये मैच खेल रहे थे तो इनका 21 का स्कोर था, फिर उससे पहले 21 का स्कोर बनाए थे, फिर 15 का स्कोर, फिर 12 का स्कोर, फिर 15 का स्कोर, तो इनकी स्कोर आप देख सकते हैं लगातार अच्छे फॉर्म बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टी ग्रीसम यदि मैच खेलते हैं तो आप इनको ज़रूर पिक कीजिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि इनके कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं जब खेले हैं तब अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो टी ग्रीसम यहाँ से फिक्स कर लीजिए, ये खेलते नज़र आ सकते हैं इस मैच में। यहाँ बात करूँ दूसरे प्लेयर आपको मिल जाएंगे टी ओनील, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, लेकिन पिछले दो मैच खराब गया है, 0-0 का स्कोर किए हैं, उसके बाद इनका स्कोर की बात करूँ तो 21 फिर 37 फिर 4 फिर 7 फिर 7, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन इधर के दो मैचों में इनकी परफॉर्मेंस गिरी हुई है। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इनके कंपेयर का भी मुझे यहाँ पर कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इनको यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ बात करूँ तीसरे प्लेयर जी एलन को, आप यहाँ से एक रिक्स के हिसाब से इनको पिक कर लीजिए, हो सकता है इसमें से जे ओना खेलते नज़र आए या एल थॉमस खेलते नज़र आ सकते हैं। तो ये भी प्लेयर हैं जो ये तीन में से कोई एक खेलता नज़र आ सकता है, तो इनमें से जो खेलेगा उनको आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा। इनफील्डर की बात करूँ तो इनफील्डर में चार प्लेयर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, और ये चारों बेहतरीन प्लेयर हैं, आप इनको ज़रूर यहाँ से पिक कर लीजिएगा। पहले प्लेयर आपको मिल जाएंगे एफ़ तातीज़, इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, आप इनको ज़रूर यहां से पिक कर लीजिएगा। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले मैच में इन्होंने 4 का स्कोर, फिर 0, फिर 4, फिर 4, फिर 18, फिर 16 और फिर 10 का स्कोर, तो मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो एफ तातीज़ को आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा। दूसरे प्लेयर की बात करूँ तो एम माचाडो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछले मैच में 0 का स्कोर किए थे, लेकिन उससे पहले वाले मैचों में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, एक में 9, फिर 54, फिर 7, फिर 22, फिर 12, फिर 11, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो एम माचाडो को भी आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा। इनको पिक ही नहीं करना है, इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप यहाँ से बना लें तो अच्छा पड़ेगा, क्योंकि बहुत अधिक लोग एम माचाडो के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। यहाँ बात करूँ देखिए तीसरे प्लेयर आपको मिल जाएंगे पी गोल्ड स्मिथ, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको भी यहाँ से पिक कर लीजिएगा। पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछले मैच में इन्होंने 6 का स्कोर, फिर 10, फिर 7, फिर 25, फिर 11, फिर 24 और फिर 23 का स्कोर इन्होंने किया है, तो पी स्मिथ को भी आप रख सकते हैं। एक ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये आपको अच्छा मौका बना सकते हैं फर्स्ट रैंक लाने पर, तो पी स्मिथ को भी आप यहाँ से रख सकते हैं। वहीं नीचे इनकी बात करूँ तो बी मिलर भी आपको एक बेहतर प्लेयर है, उनके साथ भी जा सकते हैं। तो इन दोनों में मेरे हिसाब से पी स्मिथ यहाँ पे आपको बाजी मारते नज़र आ सकते हैं। यहाँ बात करूँ तीसरे प्लेयर आपको मिल, चौथे प्लेयर माफ कीजिए, चौथे प्लेयर ये हैं के वांग की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, आप इनको भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। पिछले मैच में इन्होंने 4 का स्कोर, फिर उससे पहले 22, फिर 0, फिर 11, फिर 11, फिर 16 और फिर 36 का स्कोर इन्होंने किया है, तो भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से के वांग को भी आप यहां से पिक कर लीजिएगा। और भी यहां पे प्लेयर आपको मिल जाएंगे तो, लेकिन लाइनअप आउट होने पर पिक करना ठीक पड़ेगा, लेकिन ये चारों प्लेयर आपको बेस्ट हो सकते हैं, ये खेलते नज़र आ सकते हैं। देखिए लाइनअप आउट होने पर आपको एक टीम प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत चेंजिंग होती है, जो यूट्यूब का मैंने यहाँ पर टीम क्रिएट करता हूँ और जो टेलीग्राम पर
टीम क्रिएट करता हूँ, तो इन दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है, क्योंकि यूट्यूब का पहले मैं शूट करता हूँ और फिर टेलीग्राम का लाइनअप के बाद करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत चेंजिंग हो सकती है। तो आप जाके ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको बेस्ट टीम मिल सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ बात करूँ पिचर की, तो पिचर में देखिए जेफ लेहरेटी को आप मैं यहाँ पे पिक करके ले चलूँगा, क्योंकि ये प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, आप जेफ लेहरेटी के साथ जा सकते हैं। पिचर का भी वही ऑप्शन है, लाइनअप आउट होने पर ही पिचर का भी पिक कीजिएगा, चुनाव कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में चल रहा है तो उसे लगातार मौका दिया जाए, हो सकता है इस मैच में अच्छा करता है तो अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया जाए, तो यहाँ पर ये होता है पिचर में। तो मेरे हिसाब से जेफ लेहरेटी एक बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं, यदि ये खेलते हैं तो आप इनको यहाँ से ज़रूर पिक कर लीजिएगा। वहीं बात करूँ कैचर की, तो कैचर में ए नोला आपको खेलते मिल जाएंगे, इनको भी आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा। बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन में, तो मैं यहाँ पर पहले ही कहा था एम माचोडो के साथ आप जा सकते हैं कैप्टन के तौर पर, वहीं वाइस कैप्टन मैं कहूँगा कि टी ग्रीसम के साथ आप जाइए, ये एक बेहतर प्लेयर है। अधिक लोग यहाँ पर F33 के साथ गए हैं, इनकी भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो F33 को मैं यहाँ कहूँगा कि ना लेके एम माचोडो के साथ जाइए, क्योंकि इनका पिछला मैच अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं एम माचोडो, तो इनको कैप्टन बनाइए। और यहाँ पे आप जा सकते हैं टी ग्रीसम को, और दूसरा कोई टीम बनाते हैं तो उसमें F33 को आप कैप्टन बना सकते हैं, ठीक पड़ सकते हैं। यहाँ बात करूँ टीम प्रीव्यू, तो इस टीम के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो के लिए मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।